हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पैशन और फूड पर। आज की मेरी रेसिपी है इंस्टेंट डोसा और टमाटो ऑनियन की चटनी। तो ज़्यादा देर ना वेस्ट करते हुए चलिए बनाते हैं इंस्टेंट डोसा और टमाटो ऑनियन की चटनी। डोसे के लिए यहाँ पे मैंने 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द दाल ली है, जो 5 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिए थे, जो अच्छे से फूल चुका है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है दही। डोसे के मसाले के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 3 उबले आलू मीडियम आकार के, धनिया, टमाटर 1, कटा हुआ प्याज, करी लीव्स, कुछ ड्राई मसाले हैं, मस्टर्ड सीड और ऑयल। टमाटो ऑनियन की चटनी के लिए यहाँ लिए हैं मैंने 3 मीडियम आकार के टमाटर, 3 मीडियम आकार की प्याज कटी हुई और कुछ मसाले, उड़द दाल 1/2 चम्मच, चना दाल 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच और खड़ा धनिया 1/2 चम्मच। मैंने इसका पानी निकाल लिया है, अब इसको हमें पीसना है। इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच दही ऐड किया है और इसको हम दम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीस के तैयार है। इसी तरीके से हम सारा बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल गरम हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, धनिया, खड़ा, उड़द दाल और चने दाल और इसको हम हल्की आंच पे अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। अब इसमें जाएगा नमक, रेड चिली पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हमें इसको ढक के रख देना है, करीब 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये चटनी का बैटर हमारा तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तब तक हम बनाते हैं डोसे का मसाला। यहाँ मैंने ऑयल लिया है, उसमें डाला मस्टर्ड सीड, करी लीव्स, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक और ये मैश किया आलू इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा टमाटर, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर और मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालूंगी। धनिया, ये एकदम मार्केट जैसा मसाला बनके तैयार होता है, इसको ट्राई जरूर करिएगा। ये भी ठंडा हो गया है, इसको भी हम पीस लेंगे। यहाँ मैंने पैन लिया है, उसमें ऑयल गरम करने रख दिया है। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स और ऑनियन टमाटो की चटनी का रेड चिली पाउडर और ऑनियन टमाटो की चटनी इसमें डाल देंगे। अच्छे से सॉटे कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच शक्कर और इसको ढक के रख दूंगी। ये देखिए ऑनियन टमाटो की चटनी हमारी तैयार है। अब बनाते हैं हम डोसा। डोसा गरम हो गया है, इसमें मैं लगा रही हूँ ऑयल और एक कपड़े से ऑयल को, एक्सेस ऑयल को हटा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर एकदम स्मूथ बैटर तैयार है। अब फैलाते हैं डोसा। ये देखिए कितने आसानी से अच्छे से फैल रहा है। अब इसमें हल्का सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और
इसको फ्लैट करेंगे। अब इसमें लगाएंगे मसाला आलू का। और मीडियम आंच पे इसको सिकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डोसे के साइड उठ रहे हैं, इसका मतलब डोसा हमारा तैयार है। अब मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए मसाला डोसा बनके हमारा तैयार है। अब बनाते हैं एक पेपर डोसा। ये देखिए कितने स्मूथली फैल रहा है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। इस पे भी ऑयल स्प्रेड कर दिया है। थोड़ा सा वेट करेंगे इसके सिकने का। ये देखिए इसके भी साइड उठने लगे हैं, मतलब ये डोसा भी हमारा तैयार है। अब हम ये देखिए, ये तो अपने आप ही उठ गया पूरा। अब मैं इसको हाथों से ही रोल कर देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पेपर डोसा बन के आया। डोसा हमारा तैयार है, ओनियन टमाटो की चटनी भी हमारी तैयार है। ये देखिए पेपर डोसा, ये मसाला डोसा और ये चटनी, खाने में बहुत ही यम्मी है। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।